हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी कद्दू की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है 1/2 किलो कद्दू। कद्दू को हमने पीसेस में कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे कद्दू के। 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, जीरे को भून लेंगे, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 2-3 तेज पत्ते, थोड़ी सी हींग, 4-5 लाल मिर्च सूखी हुई, इन्हें भी भून लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च डालेंगे, इन्हें भी भून लेंगे। यहाँ मैंने लिया 1 बड़ा प्याज। तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए सिर्फ इतना ही पकाना है। प्याज को अच्छे से चला लेंगे। बहुत लोगों को कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। एक बार फिर चला लेंगे प्याज को। यह हमारी प्याज हो चुकी है, कद्दू के पीसेस डालेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको चला लेंगे, थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। एक बार फिर चला लेते हैं। थोड़ी देर फिर ढक के पकाएंगे। एक बार फिर चला लेते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 2-3 चम्मच अचार का मसाला आम का, और 2-3 पीसीस आम के अचार के, इन्हें भी मिक्स करेंगे। सब्जी को थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, सब्जी को चला लेते हैं। थोड़ी देर फिर ढक के पकाएंगे। पाँच मिनट फिर ढक के पकाएंगे, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, चला लेते हैं ऐसे सब्जी को। यह मैंने लिए छोटी आमी कच्ची, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। सब्जी को फिर थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे, अच्छे से चला लेंगे। यह मैंने लिए थोड़ा सा गुड़, गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट और ढक के पकाएंगे सब्जी को। यह हमारी सब्जी होने वाली है, थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो चुकी है, अब हमारी सब्जी हो चुकी है। तो अच्छे से चला के इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, और हरा धनिया डाल के सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।